गारमेंट स्टोर बुटीक या टेलर शॉप पे हम तो एक हम ऑर्डर बुकिंग करना चाहते हैं। वन क्लिक में हम ऑर्डर बुकिंग में जाते हैं। यहाँ पे मेरे पास लोकेशन वाइज सही डिटेल आ रही है, अगर कोई पेंडिंग ऑर्डर हो तो वो आ जाएगा। ठीक है, मैं ऑल ऑर्डर चेक करता हूँ, पेंडिंग ऑर्डर चेक करता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे ना कंपेरिजन भी कंप्लीट बना सकता हूँ। सपोज डेट अगर ऐसा होता है कि हम हमारा सिस्टम अगर किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से कनेक्टेड है, ठीक है, शॉपिफाई से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, वर्डप्रेस से कनेक्ट कर सकते हैं, अगर ई कॉमर्स स्टोर से कनेक्टेड है तो ऑर्डर हमारा ऑटोमेटिक इस स्क्रीन पे शो हो रहा होता है। मैं कोई न्यू ऑर्डर ऐड करना चाहता हूँ, मैंने न्यू ऑर्डर लिया, यहाँ पे मैंने रेफरेंस नंबर दे दिया, मैंने 252, ठीक है, यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कोई भी एक ऑर्डर है मैंने, ठीक है, वो टॉप पैड शर्ट ले लिया मैंने 2.0, ठीक है। इस पे कुछ डिस्काउंट है, मैं 50 रुपये डिस्काउंट दे देता हूँ। मैं अगर इस पे डिलीवरी वगैरह लोकेशन ऐड करनी है वो सारी हम ऐड करेंगे। उसके अलावा मैं यहाँ से रिकॉर्ड सेव भी कर सकता हूँ, सेव एंड जनरेट बारकोड विद रिसीट भी कर सकता हूँ। इसके क्लिक से सिस्टम क्या करेगा, प्लस सेलेक्ट ऐड कस्टमर और बुक ऑर्डर। अच्छा, स्टेटस यहाँ मैंने दे दिया बुक, यहाँ सिस्टम कह रहा है कि आप कस्टमर सेलेक्ट करें। मैं यहाँ से किसी भी कस्टमर को सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहीं से मैं सेलेक्टेड कस्टमर की हिस्ट्री देख सकता हूँ, यहीं से मैं कस्टमर न्यू भी ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने अब्दुल्ला सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं सेव एंड जनरेट करता हूँ। ठीक है, वुड यू लाइक टू रिसीव एडवांस, अगर मुझे एडवांस रिसीव करना है तो मैं यहीं से यस कर दूंगा, अदरवाइज नो कर दूंगा। ठीक है, मैं यस करता हूँ, सिस्टम ने ऑटोमेटिक किया। यहाँ से मैं कहता हूँ 11,950 रुपये का मेरा ऑर्डर है, मैं 5,000 रुपये कस्टमर से रिसीव करता हूँ, मैंने ओके किया। ठीक है, प्रिंट करना है तो मैं यस कर दूंगा, मैं अदरवाइज नो कर दूंगा, मेरा रिकॉर्ड सेव हो गया। ठीक है, मेरा प्रिंटर अटैच नहीं है, बारकोड प्रिंटर, जिसकी वजह से सिस्टम यहाँ पे एरर जनरेट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे मेरे ये ऑर्डर बुक हुआ हुआ है। यहाँ से मैं कंपेरिजन भी बना सकता हूँ, मैं किसी को कंपेयर करना है, ठीक है, सपोज डेट मैं मुझे कंपेरिजन जनरेट करनी है, ऑर्डर स्टेटस अपडेट करना है। समटाइम ये होता है कि मेरे ऑर्डर बुक है, बुक ऑर्डर मेरा अगर स्टिच हो गया है या फिनिश हो गया है तो मैं यहाँ से बल्क में इसका स्टेटस भी अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, स्टेटस अपडेट कर सकता हूँ। मैं कंपेरिजन जनरेट करनी है तो मैं कहता हूँ क्या, बुक ऑर्डर वर्सेस अवेलेबल स्टॉक। ठीक है, जैसे ही मैं जनरेट कंपेयर करूंगा सिस्टम बता देगा कि डॉट शर्ट जो है ये 2 क्वांटिटी ऑर्डर है और स्टॉक पहले ही माइनस में है। ठीक है, तो 5 के पहले ही शॉर्ट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, तो सिस्टम आपको बता देगा कि एक्चुअल में आपको परचेज क्या करना है। ठीक है, अच्छा मैं दोबारा ऑर्डर पे आता हूँ। अच्छा, ये मेरा ऑर्डर बुक है, इस पे मुझे अगर स्टेटस चेंज करना है, इसके अगेंस्ट पेमेंट रिसीव करनी है, सेंड मैसेज करना है, तो आपके ब्रांड के नेम से यहीं से मैसेज भी चले जाएगा। ठीक है, चलें, इसके अलावा डिटेल में आप डेमो के लिए हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बुटीक का सेटअप है तो मैं इसके साथ आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, वहाँ पे आप कंप्लीट कस्टमाइज डिज़ाइन का, साइज का ऑप्शन मौजूद है सिस्टम में, ठीक है, वो हम उसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।